नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ टेंशन, तनाव की शक्ति। आपने ये तो सुना होगा, टेंशन लेने से ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है, परेशान हो जाते हैं लोग, है ना। तो अपन लोग बोलते हैं ना दूसरों को, टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो। लेकिन ये जो हम बोलते हैं टेंशन मत लो, लेकिन इस टेंशन में बड़ी पावर होती है। हर चीज़ को पॉजिटिवली लो, क्योंकि ये जो टेंशन है ना, ये हमें जीना सिखाता है। अगर आपको ये टेंशन नहीं हो कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो आप क्यों पढ़ोगे। अगर आपको ये टेंशन ना हो कि यार रोज़ एक्सरसाइज नहीं करोगे तो हेल्थ पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो क्यों अच्छी रोज़ एक्सरसाइज करोगे, नहीं करोगे ना। अगर आपको ये पता हो कि यार मैं हेल्दी फूड नहीं खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ये टेंशन ना हो तो आप हेल्दी फूड क्यों खाओगे। तो टेंशन की वजह से तो ज़िंदगी चल रही है, हमने इस टेंशन को गलत ढंग से समझ लिया। आप टेंशन ले रहे हो, लेकिन उस टेंशन लेने की वजह से आप अपनी लाइफ को क्या सचमुच चेंज कर रहे हो पॉजिटिवली, वो इम्पोर्टेंट है। आप जिम में जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो क्या होता है, वेट उठाते हो, तो टेंशन ही आता है ना बॉडी पर। स्ट्रेचिंग होती है ना, स्ट्रेचिंग का मतलब क्या, खिंचाव, यानी कि तनाव। वो तनाव क्या करता है, आपकी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। और रिपीटेडली उस टेंशन की वजह से क्या होता है, मसल्स पावरफुल हो जाती है। तो रिपीटेडली अगर किसी चीज़ का टेंशन आप अपने आप को देकर उसका पॉजिटिवली यूज़ करते हो, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ना, न्यूज़पेपर में पजल सॉल्व करते रहते हैं। वो पजल सॉल्व करने में क्या होता है, दिमाग को टेंशन आता है ना, यार इस वर्ड का क्या मतलब होगा, इसको कैसे कनेक्ट करें तो वर्ड कंप्लीट होगा, ये क्या होगा, वो क्या, मतलब पजल सॉल्व करते रहते हैं। तो ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड को बहुत ही हेल्दी रखना चाहते हो तो आपको कुछ मेंटल एक्सरसाइज, कुछ पजल ऐसी सॉल्व करनी चाहिए। पजल सॉल्व करने से क्या होता है, आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। यानी माइंड को टेंशन दो तो वो एक्टिव रहेगा, और टेंशन नहीं दोगे तो क्या होगा, वो काम करना ही बंद हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगा ना, जो लोग घर पर पैट्स पालते हैं, है ना, तो उन डॉगीज़ को वो वॉक कराने ले जाते हैं रोज़, है ना। और फिर वॉक कराने के साथ साथ वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी बॉल फेंकते हैं, फिर वो डॉग पकड़ के बॉल उड़ाएगा, यानी कुत्ते को टेंशन देते हैं वो, है ना। ऐसी बॉल फेंकेंगे और डॉग बहुत दूर तक जाएगा, तो वो उसके लिए गेम भी बन जाता और उससे उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो टेंशन को पॉजिटिवली लो, टेंशन देने के बजाय टेंशन लो। लेकिन टेंशन लेने का ये मतलब नहीं कि आप नेगेटिव हो जाओ। टेंशन लेकर नेगेटिव मत हो, टेंशन लेकर पॉजिटिव बनो कि जिंदगी में ये टेंशन आया है यार, बीमारी आ गई, टेंशन हो गया, अब क्या करेंगे। अब हमने डिसाइड कर लिया कि अब यार हेल्दी फूड खाएंगे, और क्या करेंगे, डेली प्राणायाम करेंगे, और क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और क्या करेंगे, कंटिन्यू डेली एक्सरसाइज किया करेंगे, और क्या करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, और क्या करेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, गुनगुनाएंगे। हंसने से, हल्का फुल्का रहने से तमाम बीमारियां गायब हो जाती हैं। तो यानी बीमारी का टेंशन आए तो आपने क्या किया, कुछ अच्छे फैसले किए। अब ये कुछ अच्छे फैसले क्या करेंगे, छोटी बीमारी ने सिग्नल दिया तो आपने कुछ अच्छे फैसले कर लिए टेंशन लेकर, अब क्या होगा, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने की तैयारी कर ली आपने। तो हर मुश्किलें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाने के लिए आपको सिग्नल का काम करती है। आप उससे परेशान मत हो, आप ये मत सोचो कि नहीं यार अब ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, अब तो मैं गया काम से, नहीं काम से गया क्या, यानी कि जब मतलब मर गए तो बात ख़त्म हो गई, वो एक डिफरेंट मैटर हो गया, अब तो बात ही हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया, है ना। लेकिन ब्रीथ चल रही है ना, सांस चल रही है, समझ रहे हो, आप सुन रहे हो, सेंस में हो, तो क्यों हौसला तोड़ते हो। नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करो, टेंशन को बुरा मत समझो, हाँ किसी दूसरे को मत देना, अपने आप को देना और उससे पॉजिटिव रिजल्ट पा लेना, फिर आप कमाल करोगे ज़िंदगी में। वीडियोस मेरे अच्छे लगते हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करना भी मत भूलिएगा।